मिथिला की राज नर्तकियों राज दरबार अंतर्गत आज तुम्हारे द्वारा बड़ा ही सुंदर गायन और बड़ा ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया। तुम्हारे नृत्य को देख करके और तुम्हारे गायन को सुन करके
ये समस्त राज दरबारी, ये सभी प्रजापुरवासी मंत्र मुग्ध हो गए। हमने भी देखा तुम्हारा वो नृत्य और सुना तुम्हारा वो सुंदर गायन। तत्पश्चात तो इस निर्णय पर पहुंचे कि तुम मिथिला की ही नहीं, तुम मिथिला की ही नहीं अपितु समस्त आर्यावर्त की एक श्रेष्ठ नर्तिका हो, एक कुशल गायिका हो। धन्य है तुम्हारा जीवन और प्रशंसनीय है यह तुम्हारी कला, क्योंकि सज्जनों ये संगीत की कला सबको प्राप्त नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, ये संगीत की कला सबको प्राप्त नहीं होती, ये संगीत की कला उसे ही प्राप्त होती है जिसके द्वारा त्याग परिश्रम और साधना की जाती है। अवश्य तुम्हारे द्वारा वो त्याग किया गया होगा, परिश्रम किया गया होगा और वह साधना की गई होगी, तभी तुम्हें यह श्रेष्ठ संगीत की कला प्राप्त है। क्योंकि सिद्धांत भी कहता है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता। ध्यान देना सज्जनों, ये जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना नहीं होता। जब तक ना पड़े, जब तक ना पड़े पत्थर पर वो हथौड़ी की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। कहने का तात्पर्य, जिस पत्थर ने चोट सहन की, ध्यान दीजिएगा, जिस पत्थर ने चोट सहन की पूजा उसी की होती है, और जिस पत्थर ने चोट सहन नहीं की परिणामतः वो कंकर कंकर होकर के बिखर जाता है। सज्जनों, एक पत्थर पत्थर वही है, लेकिन एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया, वो एक पत्थर चोट सहकर वो तो शंकर शंकर हो गया। जिसने जीवन में संघर्ष कर लिया वो तो निखर जाता है, और जिसने संघर्ष नहीं किया वो एक ना एक दिन बिखर जाता है। तुम्हारे द्वारा बड़ी ही सुंदर गीत नृत्य की प्रस्तुति की गई, प्रशंसनीय है तुम्हारी यह कला। क्योंकि व्यास जी, परमात्मा जब किसी को धरा धाम पर भेजता है तो कोई ना कोई गुण वो सबको देता है, ऐसा नहीं किसी एक को, कोई ना कोई विशेष गुण वो सबको देता है। क्यों? किसी को सोच देता है तो किसी को साज देता है, किसी को सोच देता है तो किसी को साज देता है, किसी को तत्व देता है तो किसी को ताज देता है। वो परमात्मा सबको कुछ ना कुछ अवश्य देता है, किसी को अंदाज देता है तो किसी को आवाज देता है। तुम्हारे कोकिल कंठ को सुन करके एक बार कोयल को भी मूक होना पड़ेगा, तुम्हारी नृत्य को देख करके एक बार मयूर को भी स्तब्ध होना पड़ेगा। लेकिन आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है, बेटी सीता का स्वयंवर है, हम चाहते हैं तुम प्रस्थान करो, और वह समय आने पर कब, जब नाचे ही गाव ही विदित बधूती, बार बार पुष्पांजलि छूटी। इसलिए जाओ, जाकर विश्राम करो, विश्राम करो, विश्राम करो। मिथिला के राज सेवक हमारे समीप आओ, नित्य प्रत की भांति अजगो पूजन हेतु हमारे साथ में आओ, आरती का भव्य थाल सजाओ।